हेलो नमस्कार एवरीवन, चलो हम शुरू करते हैं भाजी बनाना। पाव भाजी डिश के लिए शुरू करते हैं आलू से। 5 से 6 उबले आलू लें, जिसे छीलकर अच्छे से मैश कर दें, जो हमने कर दिया है। फिर अदरक लहसुन और हरी मिर्च लें और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। और फिर हमें चाहिए साफ धोकर उबले हुए बीट, जिसका हम पेस्ट बनाएंगे, और बीट का उबला हुआ पानी छान कर रख दें, जिसे हम भाजी में यूज करेंगे। 2 बड़े लाल टमाटर पके हुए लेकर उसका अच्छा सा पेस्ट बना लें, जिससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। गाजर, फ्लावर और पत्ता गोभी, इन सब्जियों को साफ करके कटिंग करें और उबाल लें, और इसे भी हम मैश कर देंगे। तो भाजी सामग्री अब तैयार है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच ऑयल डालकर गरम करेंगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। ऑयल गरम हो गया है। 1 चम्मच जीरा डालें, फिर 1 बाउल कटा हुआ प्याज अच्छे से भून लें। अब हम 1 बाउल कटी शिमला मिर्च इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते हुए अच्छे से इसे भून लेंगे। काफी अच्छी तरह से भून चुका है। नेक्स्ट इसमें अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डालकर उसे फिर से मिक्स करें और मैश की हुई सब्जी डालें, फिर आलू भी ऐड करें, फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करें। पांच मिनट भूनने दें और फिर इसमें टमाटो का पेस्ट और बीट का पेस्ट भी ऐड करें। इनको मिक्स करके जब तक ये अच्छे से भून ना जाए, इसे ढक दें। और फिर इसमें 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डालें। मिक्स करके 5 मिनट ढककर अच्छे से बनने दें। देखिए ये काफी अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका कलर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। अब इसमें बीट का उबला हुआ पानी डालकर आप इसे मिक्स करें। 1 या 2 बाउल पानी आप डाल सकते हैं, जैसी थिकनेस आपको पसंद है। फिर ऐड करें 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, फिर उसे अच्छे से मिक्स करके ढक दें। 5 से 7 मिनट तक उसे अच्छे से बनने दें। फिर गैस ऑफ कर दें और इसमें 2 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच पानी मिक्स करके भाजी में मिला दें। अब बटर, प्याज और धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। पाव भाजी रेडी। थैंक यू।